Welcome to EdTech Weekly, Voices from the Ground, where we talk to people in education about their responses to the current COVID-19 crisis in 10 short minutes. This podcast is a part of the Connected Open Online Learning Initiative of the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Over to our host for today. Namaskar, main hoon Surbhi, aapki host. आज के एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं मनीषा पवी जी के साथ, जो कि दिल्ली के एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणित की शिक्षिका हैं। मनीषा जी को लगभग 20 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। वेलकम मैम। धन्यवाद सुरभि। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस कोविड-19 महामारी के समय में आप एक शिक्षिका होने के नाते किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। सुरभि, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबका ध्यान सबसे पहले जाता है सिलेबस पे। जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, सबको ये चिंता हो रही है कि बच्चों का सिलेबस नहीं हो पा रहा। लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते मुझे लगता है कि ये मेरा पहला कर्तव्य ये है कि मैं बच्चों की पहले वेलबींग के बारे में जानकारी हासिल करूँ कि क्या वो सही सलामत है, क्या वो स्वस्थ है, उनके समय मानसिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक समस्याएं भी होंगी। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको दो वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा होगा, और इसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी इस समय वो कैसे हैं। और हमारे बच्चे जिन घरों से आते हैं, वो बच्चों जो माँ बाप हैं, वो सभी अपने रोज की जीविका कमाते हैं और आर्थिक रूप से वो स्थिर नहीं है। तो इन सब को सोचते हुए सिलेबस तो बाद में सोचा जाता है, पहले तो ये देखा जाता है कि क्या ये बच्चे सुरक्षित हैं, और हम उनकी जानकारी प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती समझ रहे हैं। जी मैम, तो आपने जो परिस्थितियां बताई, इन वर्तमान परिस्थितियों में सब लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप अपनी कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग का इस्तेमाल कर रही हैं, या उसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए किसी योजना पर काम कर रही हैं? हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकें, तो कनेक्ट के लिए यही दो माध्यम है। हमने इन बच्चों के साथ संपर्क करने की कोशिश की। जो हमें समस्याएं आई उसमें ये था कि इन बच्चों को के फोन नंबर्स ही हमारे पास बदल गए थे, तो हमारे पास नए नंबर्स नहीं थे। कई बच्चों के पास कनेक्टिविटी ही नहीं थी, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवारों में स्मार्टफोन्स ही नहीं है, और अगर हैं भी तो पूरे परिवार में एक फोन है और पढ़ने वाले बच्चे 3 से 4 हैं। तो जूम क्लास या गूगल मीट क्लास के साथ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम ऑनलाइन टीचिंग करा सके। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा था जिससे बच्चे बहुत यूज टू थे, तो हमने व्हाट्सएप चैटिंग से पढ़ाई कराने की कोशिश की। हमने वीडियोस भेजे, ऑडियोस भेजे, जो टीचर्स ने खुद रिकॉर्ड किए और उनको अपने बच्चों को भेजे। फिर वर्कशीट्स भेजते थे, सुबह भेज देते थे, शाम को या अगले दिन उस पर डिस्कशन करते थे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वर्कशीट सॉल्व करके टीचर के ही नंबर पे भेजते थे। तो इस तरह हमने कोशिश की कि बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें, और या फिर जिन बच्चों का बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी तो हमने SMS के जरिए भी उनके साथ कोशिश की कि कनेक्ट हो सकें। जी मैम, तो जैसे आपका अनुभव बताता है, और हाल ही में कुछ ऐसे अध्ययन भी हुए हैं जो कि यह बताते हैं कि छात्रों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता काफी सीमित है, तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव में, ऑनलाइन लर्निंग के अलावा क्या इस वर्तमान स्थिति में कोई और विकल्प हो सकता है? और आप कुछ बता सकती हैं कि आपके अपने स्कूलों में इस दिशा में किसी योजना पर काम किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपसे मैंने कहा कि इंटरनेट से नहीं हम कनेक्ट कर पाए जिन बच्चों को, तो हमने उनको नॉर्मल कॉल करके उनसे कहा कि हम SMS के थ्रू हम उनको वर्कशीट्स भेजेंगे या जो भी कार्य होगा वो भेजेंगे, और वो बच्चे भी SMS के थ्रू हमें उनके आंसर्स भेज सकते हैं, जिसकी तरह से हम उनके साथ कनेक्टेड रहें। इवन हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ने SMS के थ्रू रोज एक छोटा सा कार्य बच्चों को दिया जाता है जो कि उनके
दिनचर्या से जुड़ा होता है, या तो कोई घटना होगी या कोई एक्सपीरियंस होगा जिसका वो वर्णन करें। अभी हाल ही में रेड क्रॉस डे था, फिर अर्थ डे मनाया गया, और ये भी हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें विद्यार्थियों ने चित्रकला, निबंध लेखन, अपने स्पीचेस, ये सब हमारे साथ शेयर किए जिससे कि वो अपने विचार प्रकट कर सकते थे। अभी हाल ही में 10th और 12th क्लास के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन स्पोकन इंग्लिश के भी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जो मैकमिलन के साथ कोलैबोरेशन में किए गए हैं। जी, तो ये तो हुई छात्रों की बात और उनके साथ आपके संपर्क की बात। अभी इस समय आप अपने व्यावसायिक विकास के लिए क्या किस माध्यम का उपयोग कर रही हैं मैम? सुरभि, जैसे कहते हैं ना कि हर बुरे चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो शायद इस बुरे वक्त में हम टीचर्स को समय मिल पा रहा है कि हम अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें या कुछ नया सीख सकें। तो हम बहुत सारे वेबिनार्स में भाग ले रहे हैं जो चॉकलेट टेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आदि के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और कुछ ना कुछ उनसे नया सीख रहे हैं। बहुत से शिक्षक ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जिससे कि वो अपने विषय के संदर्भ में अपने आप को अपडेट कर सके। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये हुई कि चाहे मजबूरी में सही, हम शिक्षकों ने टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग भी सीखा है। विभिन्न तरीकों से हमने कोशिश की है कि हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सके और अपने विषयों को इस तरह से उन तक पहुंचाए ताकि वो और अच्छे से उसको इन सर्कमस्टांसेस में समझ सके। जी मैम, तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस महामारी के बाद आप अगर कोई एक चीज शिक्षा या शिक्षण के बारे में बदलना चाहेंगी तो वो क्या होगी? शिक्षा सिर्फ हम समझते थे कि जो हमारे पास नॉलेज है या जो किताबों में इंफॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए, वही शिक्षा है। लेकिन आज इन हालात में ये समझ आया है कि शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए सबसे पहले लाइफ स्किल्स की, क्योंकि जिंदगी यही नहीं बताती है कि अगले पल क्या हमें क्वेश्चन पेपर पुट अप करेगी या वो हमारे सिलेबस से होगा भी कि नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को इस तरह तैयार करें ताकि वो जो हालात हैं उनको फेस कर सकें। और एक बहुत बड़ी और समस्या हम अब आगे देखेंगे जब हमारे बच्चे हमारे सामने आएंगे कि इन बच्चों ने बहुत बुरा वक्त भी देखा हो सकता है। कुछ बच्चों ने भुखमरी देखी होगी, कईयों ने बीमारी, कईयों के घरों में तो घरेलू हिंसा या यहाँ तक कि बाल शोषण भी हुआ होगा। तो ऐसे हालात में इन बच्चों को कैसे हम तैयार करें ताकि वो आगे की जिंदगी में भी बहुत स्ट्रॉन्गली उसको फेस कर सकें, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हर शिक्षक और हर शिक्षिका को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काउंसलर बनना पड़ेगा और इन बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना पड़ेगा या कह लो कि रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि वो जो एक जो कनेक्ट है वो हमेशा के लिए बना रहे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड नेक्स्ट वीक। दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय द कनेक्टेड ओपन ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई।